केवल सोनाली बेकर्स एंड कुकिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम केक देखने वाले हैं और फर्स्ट जिनका बर्थडे है पहले उनको विश करेंगे, अक्षता अमोल जादव जी को बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज का जो हमारा केक है जो व्हाइट फॉरेस्ट केक है और ये फोटो वाला केक है हमारा। तो व्हाइट फॉरेस्ट केक में क्या क्या यूज होने वाला है ये भी देखने वाले हैं हम, और फोटो को कैसे केक पे लगाते हैं, उसे रिमूव कैसे करते हैं, ये सब इस वीडियो में दिखाया है मैंने। तो आइए देखते हैं फोटो वाला केक। तो आइए देखते हैं व्हाइट फॉरेस्ट फ्लेवर विद फोटो प्रिंट केक। तो अगर मेरे आपको वीडियो अच्छे लगते है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो आइए देखते है व्हाइट फॉरेस्ट केक। व्हाइट फॉरेस्ट केक में हमें वेनिला का स्पॉन्ज यूज करना है। ये वेनिला का स्पॉन्ज है। अब इसके 3 पीस करेंगे। अभी इसे हमें शुगर वाटर से सोक करेंगे ब्रेड को। ये व्हाइट ब्रेड है, व्हाइट ब्रेड की वजह से इसको हम कम सोक करेंगे। पूरे ब्रेड को सोक कर लेते हैं अच्छे से। इसको मैंने अच्छे से ब्रेड को सोक कर लिया है। अभी इसको आइसिंग करेंगे। ये व्हिपिंग क्रीम है। पूरे केक को कवर करना है व्हिपिंग क्रीम से। अभी आइसिंग कर लिया है मैंने इसको। अभी इस पर व्हाइट सॉस डाल रही हूं मैं। व्हाइट फॉरेस्ट केक है तो व्हाइट ही सॉस जाएगा इसमें। अगर आप सबको व्हाइट सॉस की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में कमेंट कर देना, तो मैं बता दूंगी कैसे बनता है ये व्हाइट सॉस। पूरे अच्छे से पूरे केक को कवर करना है इससे। अभी व्हाइट फॉरेस्ट केक है तो इसमें चेरी भी जाएगी, आप अपने हिसाब से डाल देना इसमें। पूरे केक के ऊपर और व्हाइट चॉकलेट भी जाएगा इसमें। व्हाइट फॉरेस्ट केक है तो चेरी, व्हाइट सॉस और व्हाइट चॉकलेट से ही अच्छा लगेगा आपका। अभी सेकंड पार्ट। इसको भी हमें शुगर वाटर से सो करना है अच्छे से पूरे ब्रेड को। शुगर भी मिली दिन लगा हम अच्छे से पूरे को लगाएं मिसे भी दिन लगा भी सच्चे और करेंगे। तो सेकंड लेयर पे भी व्हाइट चॉकलेट जाएगा, व्हाइट सॉस। व्हाइट चॉकलेट जाएगा सेकंड लेयर पे भी, सेम ऐसा ही होगा। चेरी जाएगी इस पे। मेरे पास अभी थोड़ा सा व्हाइट सॉस है अवेलेबल, तो इसी पे मैं थोड़ा सा वाटर, शुगर वाटर डाल के इस ऊपर के बेस को मैं इससे सोक करूंगी, क्योंकि पूरे बेस को हमें ऊपर बीच में और नीचे का उसे व्हाइट सॉस से ही सोक करना है हमें। तो इस तरह से व्हाइट सॉस से उसे पूरे केक को। अभी केक को क्रम्बल कोट करते हैं हम, और क्रम्बल कोट करके इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट करने के लिए रखते हैं। अभी हमारा क्रम्बल कोट केक हो गया है। अभी इसे मैंने आधे घंटे के लिए सेट करने के लिए रख दूंगी। इस तरह से हमारा फोटो है। अभी क्या करना है, इस फोटो को हमें केक पे लगाना है। तो क्या करना है, इसके नीचे जो रहता है ना, ये जो प्लास्टिक जो रहती है ना, इसको हमें अच्छे से धीरे से निकालना है। इसे इस तरह से बिल्कुल धीरे से निकालना है हमें। इस तरह से बिल्कुल धीरे से निकालना है। इसके साथ हमें नहीं लगाना है फोटो के, ये प्लास्टिक रहता है,
तो इसको इसको रिमूव करके ही हमें केक पे लगाना है। ये जो फोटो रहती है ना, ये इसे मैंने इस तरह से काट लिया है। अभी इसको सेट करूंगी केक पे धीरे से बिल्कुल। इस तरह से मैंने केक पे लगाया है। अब ये जो ये साइड से निकला हुआ है ना, इसको भी काटेंगे हम इस तरह से। इस केक को हमें टेक्सचर इफेक्ट देना है। इसका सिर्फ ऐसा पैलेट नाइफ लेना है हमें, उसे टैप 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 करना है, सिर्फ ऐसा टैप 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 टैप। इस टेस्टर के ऊपर थोड़ा सा रेड स्पेस स्प्रे करेंगे हम, थोड़ा सा शाइनिंग के लिए। इसे इस तरह से देखिए, इस तरह से केक के ऊपर इस नोदों से बॉर्डर बनाते हैं इस तरह से। इस तरह से मैंने पूरे ऊपर ऊपर के लेयर पे बॉर्डर लगाई है। अभी नीचे की लेयर सेम वैसे नीचे के बाद फिर से बॉर्डर में थ्रू लगा दिया हम। निकल करेंगे हल्की से ऊपर से नीचे, ये तो बॉर्डर से करेंगे। इस तरह से मैंने रोज और बॉर्डर निकाली इस पे। अब इस ये जो साइड में है ना ये बॉर्डर, इसमें थोड़ा सा हम गोल्डन स्प्रे करेंगे इसे थोड़ा शाइनिंग के लिए केक के। अब रोज के साइड में हल्के से ग्रीन लीव्स निकालूंगी मैं इसे, इससे ग्रीन लीव्स से और अच्छा दिखेगा आपका केक। फ्लावर पे भी एक दो इसे। तो रेडी है हमारा फोटो केक विथ व्हाइट फॉरेस्ट फ्लेवर। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना आपको केक कैसा लगा। थैंक यू सो मच।